वजह सारी पर्ची प्लेयरों की है। आप देखते हैं अगर एशिया कप में परफॉर्म अच्छा नहीं कर सकते तो आपको दो से तीन सीनियर प्लेयर्स की जरूरत है। रोहित शर्मा को खिलाना, रोहित शर्मा बिल्कुल ही कुछ भी अच्छे नहीं कर रहे थे तीन चार साल से, लेकिन वो एक सीनियर प्लेयर है। वर्ल्ड कप में कम अज कम एक सीनियर प्लेयर हमें चाहिए ही चाहिए। मोहम्मद आमिर को आपको लेकर आना था, सरफराज को लेकर आना था। आज के मैच को देखा जाए तो बिल्कुल ही वन साइडेड मैच था ये, ना बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी थी ना बॉलिंग की। तो आगे वर्ल्ड कप में मजीद मुश्किलात हो सकती है, बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। जो दो मैच जीते हुए हैं वो भी छोटी टीमें थी, नेदरलैंड और श्रीलंका। अब इससे भी इंडिया से भी ज्यादा टफ टीम है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उनसे जीतना बहुत ही मुश्किल है। ये डिसअपॉइंटेड तो है हमारे लिए, जिस तरह हमारी ओपनिंग की और मिडिल ओवर में जो बाबर और रिजवान ने बैटिंग की थी, ऐसे लग नहीं रहा था कि बैटिंग इस तरह कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, हार जीत होती है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी प्रेशर भी होता है कि वर्ल्ड कप के अंदर हम हमेशा से हारते हुए आ रहे, तो आज हमारी उम्मीद थी कि हम 7-1 करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन ये 8-0 होने जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट आज देखिए कैसा लगा? लग रहा है बहुत मायूस हुए, कोई इन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं की, कोई एफर्ट नहीं की इन लोगों ने, और जिस लाइन में ये हैं बॉलिंग लाइन में सबसे बेस्ट है, उन्होंने उसमें भी कोई एफर्ट नहीं करी, बाउंड्रीज ना रोक पाए, शॉर्ट बॉल्स कराई है ना, नवाज की बॉलिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई। चलने की बात ही नहीं, उन्होंने खेला ही नहीं है सही से, उन्होंने एफर्ट ही नहीं किए। आप कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कहीं और खेल रहे हैं। हाँ ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है नाइट मैच खेल रहे हैं इंडिया में, नाइट मैच यार, ये हमेशा का इनका वन साइडेड मैच होता है, और जो है ना कोई टीम प्लान नहीं था कोई, और मिडिल ऑर्डर के जो भी बैट्समैन थे वो कोई भी नहीं चला। अगर रिजवान आउट हो गया, बाबर आउट हो गया, तो ना इफ्तिखार चला, ना सऊद शकील चला। बहुत उम्मीदें हमने यहाँ पे हमने लगाई थी, हम जब भी देखते ये हमेशा वन साइडेड मैच होता है और डिसअपॉइंट करते हैं हमें। आज प्रेशर ज्यादा नहीं लगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं, आपकी बात सही है, प्रेशर पाकिस्तान पे था, लेकिन इंडिया पे भी था, क्योंकि सारा क्राउड उनका था, 1.5 लाख का मजमा था, तो इंडिया पे भी ज्यादा प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान पे भी था ऑब्वियसली, लेकिन इतना बुरा नहीं हारना चाहिए जो हर बार की तरह। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स में काफी जो है ना फर्क नजर आ रहा होता है, क्रिकेट तो अच्छी रही, लेकिन बात सारी यही है ना, पाकिस्तान को जो है ना थोड़ा सा अपना फाइट करनी चाहिए थी, थोड़ा ऐसा नहीं मिला।